और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस को मानहानि का नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फडणवीस को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। नवाब मलिक की बेटी ने यह नोटिस भेजा है देवेंद्र फडणवीस को। नीलोफर मलिक ने मानहानि का नोटिस भेजा है, जो कि नवाब मलिक की बेटी है। 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा गया है देवेंद्र फडणवीस को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। और इस बीच जानकारी मिल रही है कि नवाब मलिक की बेटी ने मानहानि का नोटिस भेजा है देवेंद्र फडणवीस को। इस वक्त की बड़ी खबर, नवाब मलिक जो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गंभीर आरोप लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस पर नजर आए थे, और इसका पलटवार भी बीजेपी की तरफ से किया गया था, जिसमें कई तरह की फोटोज जारी करते हुए सीधे तौर पर नवाब मलिक से सवाल पूछे गए थे। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि मानहानि का नोटिस भेजा गया है। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, ये जो मानहानि का नोटिस भेजा गया है, क्या कुछ दावा किया गया है? नवाब मलिक की बेटी भी अब इस पूरी की पूरे लड़ाई में कूद चुकी है। देखिए रितिका, ये जो नोटिस है वो नवाब मलिक के दामाद समीर खान की तरफ से भेजा गया है। उनकी बेटी जो नीलोफर है, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि देवेंद्र फडणवीस को एक लीगल नोटिस भेजा गया है, और इस लीगल नोटिस में ये दावा किया गया है समीर खान की तरफ से कि देवेंद्र फडणवीस ने एक स्टेटमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि समीर खान के घर से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ था, जिस वक्त एनसीबी ने उनके घर पर छापेमारी की थी। लेकिन जो चार्जशीट का हवाला, जो एनसीबी ने चार्जशीट फाइल की पूरे मामले में, उसका हवाला देते हुए समीर खान ने कहा है कि एनसीबी की चार्जशीट ये कहती है कि उनके घर से किसी भी प्रकार का कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था। और ऐसे में जो आरोप उनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत है, उन्हें टॉर्चर करने वाले हैं, उन्हें मेंटली हरास करने वाले हैं। इसलिए जो है लीगल नोटिस उन्हें समीर खान ने भेजा है। 5 करोड़ के मानहानि का जो दावा है वो जो है इस नोटिस में समीर खान ने किया है। तो ऐसे में देखना यह अहम होगा कि इस नोटिस पर देवेंद्र फडणवीस से क्या जवाब आता है, क्योंकि लगातार जो है इस वक्त जो पूरा ड्रग्स का मामला था वो अब सियासी रूप ले चुका है, और सियासी रूप लेने के साथ ही बीजेपी वर्सेज नवाब मलिक जो लड़ाई है, जुबानी जंग है, वो लगातार तेज होती जा रही है। बिल्कुल दिवाकर, और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भी पलटवार किया था नवाब मलिक में, तो ऐसे में मानकर चला जाए कि अब परिवार टू परिवार ये पूरी की पूरी सियासी जंग है। जी बिल्कुल ऋतिका, क्योंकि जिस तरह से अभी अब तक आपने देखा कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे थे, लेकिन वो फोकस शिफ्ट हुआ फिर देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नवाब मलिक के संबंध जो है वो अंडरवर्ल्ड से होने के आरोप लगाए, फिर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देवेंद्र फडणवीस का जो संबंध है वो अंडरवर्ल्ड से होने के आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई है वो अब बीजेपी वर्सेज मलिक खानदान के बीच हो गई। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो इस वक्त जो है नवाब मलिक और बीजेपी में जो है इस पूरे मामले को लेकर जुबानी जंग चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से नवाब मलिक ने कल देवेंद्र फडणवीस सहित कई बीजेपी नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, बिल्कुल गंभीर आरोपों के बीच अब नवाब मलिक के दामाद ने नोटिस जारी किया है मानहानि का 5 करोड़ का। शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए।